हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के ना 8 बज चुके हैं और इधर जो है घेर में से हम घूम कर आए थे, फिर 7 बजे से आ गए थे इधर। जब तक हम घेर में से आए तब तक माँ जी ने सब्जी तैयार की कर दी थी। सब्जी हमने छोड़ दी है। सब्जी आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। और वहाँ पे ना घेर में, हाँ भाइयो, और घेर में ना एक लौकी हो रही थी, दो तोरी हो रही थी, तो उन्हें उनकी कटिंग करके ले आए हैं। कल सब्जी बनाएंगे उनकी, क्योंकि थोड़ी हो रही गर्मी की वजह से सब्जियाँ अभी इतनी ना अच्छी तरीके से नहीं आ रही, ना ही बाढ़ से आ रही। गर्मी ज़्यादा है और बरसात हो नहीं रही, तो जी इसी वजह से थोड़ी सी ना किचन गार्डनिंग में रोने की इतनी है नहीं। पानी रोज डालते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी देखो जो जो बात बारिश से होती है ना वो वैसे नहीं आती। और सब बनाएंगे रोटियाँ, उसके बाद इन बच्चों को हम, हाँ जी सुनो, आइसक्रीम भी खाई थी। और राज नंदनी ने अपने किचन गार्डन के दूसरी बार टमाटर खाए, दो इसके फेवरेट है ना टमाटर। कैसे लगे आपको टमाटर? तीन खाए। ओ भाई रे, कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगे भाई टमाटर। चलो अभी नाइट सूट पहन लो और अपना लर्न करो, ईवीएस का एग्जाम है। आज कैसा गया था आपका? इंग्लिश लैंग का था ना आपका? काम मैं करवाऊंगी खाना बनाने के बाद, मैं रोटियां उससे सेक लूँ, उसके बाद काम निपटा के आपका काम करवाऊंगी। क्योंकि आज दिन में 6 बजे सो रही, 3 बजे सोई थी और 6:30 बजे बहुत मुश्किल से जगाई ने, तो ये आराम से 11:30 बजे तक जाग जाएगी। तो इस वजह से अब आराम से इनका काम करवाऊंगी, पहले खाना वाना बनाते हैं। चलो आप लर्न कर लो बेटा, आपको तो बता दिया मैंने क्या क्या है सिलेबस आपका, तो आरुषि तो अपने खुद से लर्न कर लेगी, फिर मुझे सुनना और टेस्ट लेना इसका। मैडम पीटती नहीं, आपकी झूठ बोल लो आप। फ्रेंड्स, इधर जो है शाम के खाने में बने आज आलू टमाटर की सब्जी, जो कि माँ जी ने पहले ही तैयार कर दी थी। और इतना हम जब तक हम घेर में से आए, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, और सब्जी हमारी बनकर तैयार है। पतली सब्जी खाना पसंद कर रही, इधर दूध पक गया, आटा लगा दिया, कुछ रोटियां सेकनी स्टार्ट कर दी, और फटाफट से रोटियां सेक देते हैं और फिर सबको सर्व करते हैं खाना। बंद नहीं कर रही मैं, चला भी दिया। फ्रेंड्स, बहराइच के रेलवे स्टेशन पर आए अभी, और टिकट कटवाना, रिजर्वेशन का टिकट मेरे मित्र कपिल को कराना, छुट्टियों में बच्चों को घुमाने लाओगे बहराइच में, तो क्योंकि मैं तो जाऊंगा कल को ही, क्योंकि मेरा तो पहले से ही है रिजर्वेशन, कल को निकलूंगा, पहले ही करवा लिया था मैंने तो, कि 19 मई को छुट्टी पड़ेगी, ये शाम को निकलूंगा यहाँ से, इसकी सुबह सुबह पहुँच जाऊँगा। तो फिलहाल अभी कपिल करवा रहा रिजर्वेशन, उसे छोड़ दिया वहाँ काउंटर पर, फॉर्म भरेगा, जमा करेगा, टिकट लेगा अपना रिजर्वेशन का। और इधर ही शॉपिंग मॉल है, कपिल को साथ लेकर आया था, तो कपिल का भी काम हो जाए, शॉपिंग मॉल से अपना कुछ सामान खरीदूंगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ना डार्क फैंटेसी वाले जो बिस्किट हैं, और 1-2-3 बिस्किट हैं, बोरबोन वाले हैं और ओरियो वाले हैं ये बिस्किट, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ही पसंद है, तो बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ भी लेकर जाऊँगा। तो फिलहाल पहले चलो कपिल का टिकट हो जाने दो, फिर चलेंगे शॉपिंग मॉल में। भर गया फार्म? अच्छा, सही है, आने का जाने का दोनों करवा लो। रेलवे स्टेशन का काम टिकट वाला निपटा दिया, बाइक अपनी पार्क कर ली, और हम लोग आ गए हैं शॉपिंग मॉल में, अभी स्मार्ट बाजार में कुछ खाने का सामान खरीदेंगे, लेकिन क्या सामान खरीदा जा रहा है, चलें कपिल? चलो आ जाओ। कौन सा? अच्छा हाँ, सामने में मटका ठंडा पानी करने वाला, चलो टोटी वाला मटका, चलो चलती बार पूछ के चलेंगे, 100-150 रुपये के आसपास होगा। बैग पहले अपना रख के यहाँ से टोकन ले लेंगे, और एंट्री वाला गेट है, चलो यहाँ से एंट्री करेंगे भाई।
टाइम अभी खाली सा है, जैसे और शाम सी होगी शाम को और ज़्यादा लोग आ जाएंगे इसमें। उस दिन ऑफर चल रहा होगा, उस दिन ज़्यादा भीड़ थी, आज तो खाली खाली सा पड़ा। मॉल में बहुत सारी वैरायटीज हैं खाने की चीज़ों की, दाल है, आटा है, चावल है और सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और उधर वाला सेक्शन जो है चिप्स का, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह के हैं। चावलों की देखो कितनी सारी वैरायटी है, 72 का है, 80 का है, 50, 150, और इधर भी हैं इतने सारे चावल ही चावल हैं अलग अलग रेट के। ये दालें हैं इधर, और दाल ये भी है खुली हुई, इधर पैकेट वाले भी हैं, और आटा वगैरह है ये इस तरफ। दालें भी इतनी हैं कि वैरायटी बहुत सारी है, वहाँ तक देखो दाल ही दाल की है, और इधर भी ये है आटा वगैरह यहाँ का। मॉल में सब्जियाँ भी हैं और फल भी हैं भाई। हेलो, ये वाले लिए थे क्या पहले हमने? हाँ ये थे, तब तो शक्ल चेंज हो रही। ये वाले खजूर ले गया था पहले, खरीदे बन पाए मन, कितने का है? 260 का है। और कई सारी चोको फिल्स भी है, हाइड एंड सीक की है, चोको फिल्स बच्चों के लिए यार फैंटेसी है। चोको फिल्स तो कई तरह के हैं यहाँ, बाई वन गेट वन फ्री वाले हैं बहुत सारे, मैं इनमें से काट लूँगा कोई, या तो पार्ले एजेंसी कर लूँगा या डार्क फैंटेसी वाला लूँगा। और एक बोरबोन का भी बिस्किट हो लिया था, वो भी देख लो कहाँ को मिला था, कौन से सेक्शन में। एक तो ये है बोरबोन का, एक इससे बड़ा पैकेट देख लो कोई सा हो तो। ओरियो भी है बच्चों के लिए, ओरियो को भी बाय वन गेट वन वाला ऑफर मिला है, कितने का है? ये है 918 ग्राम का, 300 रुपये का, 150 रुपये का पड़ेगा क्योंकि ऑफर है इसमें भी। वॉलनट्स के लिए बच्चों के लिए 1 किलो वाले पैकेट है, 399 वाले ये हैं, 399 का ये है, और ये वाला 499 का है। कई सारी वैरायटी हैं इसमें भी नीचे तक, तो वॉलनट्स मैंने एक पैकेट ले लिया, इसमें बास्केट में इकट्ठा कर लिया जो जो सामान हमें लेना। सामान इतना लेने नहीं आए थे और हो भी गया बहुत सारा। चलो अब काउंटर की तरफ चलेंगे, बिल बनवाओगे आज, मुझे लग रहा है छूट कम है, देखो भीड़ भी कम है। नहीं पिछली बार जब आए थे तब तो बहुत भीड़ थी यहाँ पर, दिवाली पर तो मज़ा ही आ गया था, वो ऊपर वाले लड्डू मिल गए थे 80 रुपये के। आज तो काउंटर पे भी छी दी है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, देखो कम से ही लोग खड़े, जल्दी बिल बन जाएगा। इसमें रखते रहो, सब तभी रखो, मैं तो हाथ में ले लूँगा अपना। ये बिल और ले लूँ, बारे चेक करवाना अभी तो गेट पर, इसे देखे बिना नहीं बाहर निकलने थे, बिल को देखे बिना सामान खरीद लिया और बिलिंग भी करवा लिया अपनी, और सामान ला के मैंने तो अपनी डिग्गी में रख दिया, उसमें पैक कर लिया, घर जाऊँगा बैग लगाऊँगा अपने, कभी ला जा उसका रह रहा थोड़ा सा सामान, तो बाइक निकाल के पार्किंग से अपनी, फिर चलते हैं अपने रूम पे। फ्रेंड्स देखो पढ़ाई का सिस्टम ही हो चले, मुक्की मच्छर न लगे, मच्छरदानी मेरे घर की किताब इसी में पढ़ लें, स्कूल से आ गए नींद आवे तो सो जाओ, अब तो गर्मी हो लगी, दिन बड़ा हुआ है तो स्कूल में थक भी लें और नींद नहीं जरूर आवे तो मच्छरदानी में ही पढ़ गए सो लें जितनी नींद आवे। और फिलहाल अभी शाम का टाइम है, सब्जी वब्जी लेकर आए थे, चलो किचन में चल रहे। साथी हमारे किचन में पहुंच चुके हैं, दूसरे वाले मास्टर जी अपना काम निपटा के आराम कर रहे हैं, चलो दूसरे उनसे मिल लो, दूसरे जो किचन में उनकी हेल्प भी कर दो थोड़ी सी। इस किचन में ये चल रहा, क्या चल रहा है मास्टर, देखो क्या क्या कर दिया, लौकी उबाल दिया और उसमें ना जो सिट्टी आ रही है उसमें चावल उबाल दिए, लौकी का बनाओगे रायता, दही लाए थे, दही निकाल लूँगा बर्तन में। और फिलहाल अभी कुकर चढ़ा दिया, कुकर में बनाऊंगी सब्जी, आज कढ़ाई में नहीं बनाते। आज पिछली बार ना मिक्स वेज में भिंडी डाल दी थी हमने, पानी भी डाल दिया था, तो कई लोगों ने हमें सजेशन दिया कि मिक्स वेज में भिंडी नहीं डलती, तो आज हमने देखो क्या क्या काट रखा सब्जी में भाई। आलू काट रखे इसमें, शिमला मिर्च है ऊपर, परवल है, और भी कुछ है मसा, आलू संधा ऊपर, बस तीन चीज़ें हैं। और तड़का इसमें लगाऊँगे, टमाटर, मिर्च और नमक, हल्दी, मसाला सब डाल दिए, प्याज काट रखी। फिलहाल कुकर गर्म हो गया, फिर डाल लेंगे सबसे पहले तो सब्जी में, रायते में हरे धनिया का भी स्वाद आ रहा, हरे धनिया ला रखा है तो, और पुदीना भी लाए थे, पुदीने की चटनी बना ली थोड़ी सी सब्जी में, और रायते में डाल लेंगे, कूट लिया इसमें उपली में, तो तेल गर्म हो गया और जीरा डाल दिया इसमें, हमने जीरा कड़ा हो गया, थोड़ा ब्राउन करेगी और उसमें सब टमाटर, मिर्च और मसाले डाल रखे, ये वाले डाल देंगे इसमें, धीरे धीरे
आने लग रहे हैं वापस आलू वाले चावल में। कुकर में लौकी उबाला था तो थोड़ा सा पानी निकल गया था, इसलिए बाहर से काला सा हो रहा कुकर। सब्जी ये सब्जी तो उतार दी, रायता बनाने की है तैयारी। नमक कम हो गया, नमक डालना पड़ेगा, उसमें कम डालना। ठंडा हो जाएगा तब बनेंगे दही। तो फ्रेंड्स रोटियां भी सेक दी बढ़िया बढ़िया फुल के, देखो लास्ट थी ये रोटी, एक रह गई तवे पे, इधर रख दिया रोटियां और चावल इसमें बन गया हमारा, सब्जी चली गई अंदर और दही रखी, लौकी की सब्जी बना ली थी बस उसमें डाल देंगे, रायता हो जाएगा तो खाना लगभग तैयार है हमारा। लौकी की सब्जी बनाई थी वो थोड़ी ज़्यादा होगी तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जी निकाल लेंगे और बाकी में हम दही ऐड करके बना देंगे रायता, इतनी बोलते इतनी रायता बना दो तो दही ऐड कर दी सब्जी, ये बन गया हमारा रायता और चावल है इसमें, सब्जी होगी रोटियाँ ये हैं और एक सब्जी वो होगी, तो फिलहाल तैयार है खाना, चलिए खाना खा लेते हैं। पहले सामान लेके अपना रूम पे आ गए, फिर देखो तीन चार सात छः सात आइटम है, क्या क्या लाया मैं, किशमिश है और खजूर है, ये डार्क चॉकलेट वाले बिस्किट हैं और ये बिस्किट हैं बॉर्मन वाले, अखरोट है और भैया ये है पिस्ता और ये अंजीर, तो इतने सारा सामान है इसे बैग में लगाऊंगा बाद में। फिलहाल अभी खाना वाना बना खा लिया हमने, काम हो रहा है अपने मित्र नकुल का बैग लगवा खाना पीठा सीन वाला, तो उसके पास जाऊंगा, उसके बाद अपना बैग लगाऊंगा घर चलने की तैयारी वाला जो है।